बिस्म लहमान रहीम तो वी आर डूइंग क्वांटिटेटिव एनालिसिस जिसमें कॉन्ट्स का हम इम्प्लिकेशन देख रहे हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ तो यहाँ पे हम थोड़ी सी उसकी फर्दर एडवांसमेंट की तरफ जाएंगे वी टॉक अबाउट सिमेट्री एंड क्यूनेस ये रिलेट कर रहा है जो हमने पहले बात की हुई थी सेंट्रल ऑफ टेंडेंसी जिसमें मीन और उसकी बात हम करे थे अब ये एक थोड़ा उसको हम वी टेकिंग इट टू वन स्टेप अहेड जिसमें हमें इम्प्लीकेशन फैक्टर्स इनके देखने हैं फंडामेंटल टास्क इन मैनी एनालिसिस इज टू कैटेगराइज लोकेशन एंड वेरिबिलिटी ऑफ डेटा सेट डेटा हमारे पास है जिसपे हमने बेस कर रहे होते हैं तो उसके लिए हमें एक एनालिसिस की जरूरत होती है कि वो वॉट इज़ द वेरेबिलिटी और इनफैक्ट वेरेबिलिटी ही आपका जो है वो रिस्क जो है हमारे मयर्स में यूज होता है फर्दर कैटेगराइजेशन ऑफ द डाटा इंक्लूड्स क्यूनेस एंड क्यूटॉसिस ये हमारी डेटा में जो है, उनको कैप्चर करने के लिए किए जाते हैं में हम इसको ला के fact, नहीं होती तो ये फैक्टर है सिमिट्री क्या है बातेंसी से डेटा दोनों तरफ किस तरह है अगर तो वो परफेक्टली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो देन सिचुएशन इज नॉट मोर टू वर्ड ती तब है जब थिंग्स आर अबिट डेटा इज अबिट वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन डेटा सेट इज सिमेट्रिक इफ लुक द सेम ऑन बोथ साइड यानी कि दोनों साइड अगर सेम है तो फिर तो हम कहेंगे सिमेट्रिक है ज्यादा जब इसकी इंप्लीकेशन आएगी जब सिमेट्री नहीं होती इज अ मेयर ऑफ वेदर द डेटा आर हैवीली टेल और लाइट टेल रिलेटिव टू नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहा ना दोनों तरफ का एक ही इंपैक्ट है अब इस केस में टेल्स की जो है वो वेरिएशन कर रही है डिफर कर रही है तो कैप्चर्ड थ्रू क्यूटोसिस दिस डेटा सेट विद हाई क्यूटोसिस टेंड टू हैव टेल्स और आउटलायर्स जिनमें आउटलायर्स का फैक्टर जिस तरह हमने आपको शायद याद हो एक होग्जाम्पल की थी थ्री फोर फाइव और एक थर्टी फोर था तो उसको डाटा को जब हम इसमें डालेंगे तो वो टेल्स को वेरी करेगा उसमें इम्पैक्ट उसका आएगा हिस्टोग्राम इज एन इफेक्टिव ग्राफिकल टेक्निक फॉर शोइंग बोथ क्यूनेस एंड क्यूटॉसिस के हिस्टोग्राम जब हम बनाते हैं वो उसके दोनों इम्प्लीकेशन को लेके कैप्चर कर रहा होता है बिकॉज वो एक्चुअल डेटा पे बना होता है फिर जब उसकी अब आप ग्राफिकली जब उसको स्टेटिकल पाथ में दिखाते हैं तो दैट शोज के वो उसमें कितनी स्क्यूनेस है कितने क्यूटोसिस आपसे स्पेसिफिक कैलकुलेशन नहीं रिक्वायर्डनेस की बट नीड टू हैव प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हाउ इट इज वॉट इज इट रिलेट बट स्टिल फॉर लर्निंग वी नीड टू नो हाउ इट्स बींगल्कुलेट तो ये उसकी डेफिनेशन फैक्टर है जो उससे रूट होती है इसमें मीन की यूटिलाइजेशन होगी स्टैंड एविएशन जो हमारा पाथ है और नंबर ऑफ डेटा इसके केस में हम एन माइनस वन नहीं लेंगे एन लेंगे जो कि उसकी यूटिलिटी में आएगा अदरवाइज नॉर्मल स्टैंड एविएशन जब हम ले रहे होते हैं सैंपल की तो हम एन माइनस वन करते हैं बट फॉर दिस वील टेक द एन नंबर द स्क्यूनेस फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो जब भी मैंने पहले बात की थी कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जब होगी तो स्क्यूनेस का फैक्टर नहीं है उसकी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है या बहुत ही फ्रैक्शनल किस्म की आ सकती है जब प्रॉपर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हंड्रेड परसेंट हो जाएगी तो वो पूरी उसको जीरो ले जाएगा लेकिन जब इसकी वेरी इसमें वेरिएशन आएगी उसमें फैक्टर जो है वो हमारे उसमें आएगा दैट विल लीड टू कैलकुलेशन ऑफ स्क्यूडनेस तो फिर हम कहेंगे कि डाटा स्क्यूड राइट है या स्क्यूड लेफ्ट है टू वर्ड कैलकुलेशन बाय स्क्यूड लेफ्ट हमने कहा डाटा स्क्यूड लेफ्ट है इसका मतलब क्या है लेफ्ट टेल इज लॉन्ग रिलेटिव टू राइट टेल कि जो हमारी जो उसकी जो पाथ के बन रहा है इमेज बन रहा है उसकी में जो आपकी लेफ्ट टेल है वो लॉन्गर साइड पे है मोर उसकी इम्प्लीकेशन फर्क आ गया सिमिलरली मैन वी से ये वॉइस वर्सा फैक्टर है सम हैव मईमेंट है फॉर एग्जाम्पल इन रिलायबिलिटी स्टडीज फेलियर टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव तो इसलिए कुछ पॉइंट्स पे जाके ऐसे होता है कि जहाँ पे क्यू उसने होना ही होता है बिकॉज दोनों तरफ की ऑप्शन पॉसिबल ही नहीं होती ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट टेबल uh, है इसको तो चार्ट को अब देखें हम इसको थोड़ा भी फर्दर एक्सप्लेन भी करेंगे विलकम बैक टू ऑल ऑफ दीज अगेन एंड अगेन बट मेक इट्स अ गुड लर्निंग डाइग्राम टू हैव अ क्लियर पिक्चर आपको ये कैलकुलेट नहीं करना बट यू नीड टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस हाउ इट रिलेट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नंबर पहला जो अगर हम देखें लेफ्ट पे हमारा टॉप जो टेबल है दैट इज नॉर्मल रैंडम नंबर सैम्पल फॉर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नॉम अगर आप उसको इमेज को भी देखते हैं तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि दोनों साइडों का जो फैक्टर है वो तकरीबन बराबर है यू कैन सी के जीरो से इधर भी जीरो से लेफ्ट भी और राइट भी दोनों तरफ इंप्लीकेशन तो वो बड़ी नॉमिनल सी फ्रैक्शनल है एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ थ्री नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्यूटो थ्री होती है तो यह टू पॉइंट नाइन सिक्स है तो बड़ी क्लोज फैक्टर है क्लासिक्रेशन ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन

आई एल टेक यू टू द ग्राफ अगेन यू कैन सी कि इस जो पिछले वाले ग्राफ के कम्पेरिजन में इस ग्राफ में जो इसकी पीक है जो चोटी या जो इसकी हाइट है वो थोड़ी हायर साइड पे है तो दैट्स वाई वी आर सिंग इट्स डबल एक्सपीरेंशियल रैंडम नंबर है कि उसमें ये फैक्टर को डिफरेंट है अगर आप इसकी स्क्यूनेस देखें तो कम्पेयर टू प्रीवियस वन इट इज पॉइंट जीरो सिक्स टू जो कि थोड़ी सी हायर साइड पे है और क्यूटोसिस जो देखें उस पर मेजर चेंज आ गई है वो थ्री की बजाय वो कहीं फाइव पॉइंट नाइन पे चला गया तो लुक एट द थर्ड वन दैट इज द काउची रेंडम नंबर्स इसको भी अगर आप थोड़ा गौर से देखें तो जीरो के साथ यू कैन सी द इम्पैक्ट कि ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन ऊपर वाले से बहुत थोड़ी फर्क है इज अ सैम्पल ऑफ काउची फॉर बेटर विजुअल कंपेरिजन विद अदर वी डिस्ट्रिक्ट ऑफ काउची इसमें बिटवीन माइनस टेन टू टेन की हमने रेंज में इसको रखा है तो आपको नजर आ रहा है उस इमेज से अगर आप देखें कि ये एक बड़ी बार जो है वो हमारे जीरो से पीछे आ रही है लेफ्ट पे हमारे पास एक बड़ी बार आ रही है एंड राइट साइड पे हमारे वैल्यूज जो हैं वो थोड़ी कम है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल नहीं है सो वी सी दिस इज एन वे ऑफ रिप्रजेंट तो ये डेटा की जो होगी अवेलेबिलिटी वो डिटरमिन करेगी कि आउटपुट कैसी आ रही है और ये इमेज को कैसे लेके आ रही है तो इसकी अगर आप देखें स्क्यूनेस इज हायर क्यूटोसिस इज अगेन आल्सो हायर देन लेट्स मूव टू द फोर्थ वन विबुल गैमा इसमें रैंडम नंबर्स के साथ किया इसका भी इमेज आप यू कैन सी थिंग्स आर वेरी डिफरेंट इन दिस इसमें शेप पैरामीटर वो 1.5 की शेप दिखा रहा है यानी कि वो एक तरफ में हमारे पास डाटा बहुत कम है दूसरी तरफ में डेटा ज़्यादा है तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में शेप पैरामीटर कि वो किस शेप में जा रही है इसको एक दफा दोबारा देख लें कि ये जीरो से राइट right पे ही हमारे पास मेनली डाटा पार्कड है सम डाटा इज देयर बट इट्स ओनली टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट तो ये अगेन बेस्ड ऑन डेटा ये शो कर रहा है तो यू कैन सी स्क्यूनेस इसकी हाई है और भी इसका डिफरेंस है तो वी शुड अप्रीशियट दिस पॉइंट कि ये दोनों चीज़ें हमारी कैप्चर कर लेती हैं डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन को और यहीं से हम रिस्क की एप्लीकेशन भी कर रहे होते हैं ठीक हो गया थैंक यू